क्या है ये? पगुन का थाल। तो हमारे पास क्यों लेकर आई? आफी के फपराल जाना आपको और भाई साहब को। हम शिव के साथ कहीं नहीं जाएंगे। तो तुमको जाना होगा ना, ये आसी की जिंदगी का सवाल है। गंगा आपका सिंदूर कहाँ है? बेटा मैं तो तुम्हारा सुबह से ही इंतजार करती रही। कितनी प्यारी जोड़ी है, मैं तो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती रहूंगी तुम दोनों सिर्फ इसी जन्म में नहीं जन्मों जन्मों तक हमेशा साथ ही रहो। नाश्ता कर लो बेटा। अरे नहीं नहीं, हम तो लड़की वाला है तो यहाँ का पानी भी नहीं पी सकते। नाश्ता तो बहुत दूर का बात है। कौन से जमाने की बात कर रहे हो बेटा, लड्डू तो कम से कम खाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम दादी को ना बोलोगे, चुपचाप खा लो। गंगा इनके लिए प्लेट लगाओ, अपने लिए भी लगाओ नाश्ते की। आओ रसम पूरी कर लेते हैं। हम सब की तरफ से ही शगुन, स्वीकार कीजिए। ये क्या, शगुन में चांदी का थाल होना चाहिए था ना? नारियल कहाँ है? तुमको नहीं मालूम कि हर शुभ काम में नारियल का होना बहुत जरूरी होता है? अरे राम, मैंने साफ साफ बताया था ना, शगुन के लिए हरे रंग की या लाल रंग की साड़ी होनी चाहिए। शुभ काम में काले रंग की साड़ी का क्या काम होता है? चावल पे हल्दी लगे हुए नहीं है, हे भगवान, पहली रसम और इतनी बड़ी लापरवाही। सब कुछ बताने के बाद भी ऐसा अपशकुन कैसे हो गया गंगा बहू? मुझे तो इस रिश्ते को लेकर बड़ी चिंता हो रही है। अरे ऐसा मत कहिए, हमको लगता है समझने में कोनो भूल हुआ है। गंगा, शगुन का थाल कौन तैयार किए? ये थाल तो हमने ही तैयार किया, सामान भी वही रखा जो माँ जी ने हमसे कहा था, लेकिन शायद जल्दी जल्दी में हमसे गलती हो गई। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे सारी गलती हमारी है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। क्या कर रही हो बहू, उठो। देखिए गलती आपका नहीं है, गलती हमारा है। हमको सब चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि सब आपके कहे अनुसार है या नहीं। देखो बेटा, गलती किसी की भी हो पर शुभ काम में अड़चन तो हुई है ना। आज तक हमारे परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ और ये कोई मामूली बात है, बहुत बड़ी भूल हुई है। आशी बहू बनकर हमारे घर आए इससे पहले इतना बड़ा अपशकन, पता नहीं हमारे घर आएगी उसके बाद क्या क्या होगा। नहीं, मुझे लगता है इस रिश्ते के बारे में और एक बार सोचना होगा। और वैसे भी सिर्फ बात पक्की हुई है, रिश्ता तो नहीं हुआ। अरे अरे क्या कह रहे हैं आप अपनी बहन के लिए कोई और लड़का ढूंढ लीजिए। अरे शुभ शुभ बोलो बहू, भूल किससे नहीं होती, जो होना था सो हो गया। हाँ नहीं तो। अरे माँ जी कैसी बात कर रही हो आप, इतनी बड़ी भूल। चलो शगुन के थाल की बात को अनदेखा कर लेते, पर इसके आगे कोई गलती नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद ऐसा कोनो गलती नहीं होगा। हम जिम्मेदारी लेते हैं, आज के बाद कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। आज जो भी हुआ ना उसके बाद तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ एक रास्ता सुझाऊं मैं, देखो सारी रीति रिवाज हमारे परिवार के अनुसार होनी चाहिए और वो भी सही ढंग से। इसके लिए हमारे परिवार में से किसी को इनके घर जाके रहना होगा। तू जाएगी? अब माँ जी मुझे मालूम था बहू तू जा ही नहीं सकती। हाँ नहीं तो, इस घर में मैं ही एक अकेली खाली हूँ, मैं चल सकती हूँ आपके साथ, सारे रीति रिवाज संभाल लूंगी। हाँ नहीं तो बोलो मंजूर है या नहीं, बोलो ना। हाँ दादी जी
हमको तो मंजूर है, ये तो हमारे लिए सौभाग्य का बात होगा। अब तो खुश जाऊं मैं इनके साथ? जी माँ जी। ठीक है, जल्दी से मेरा बैग पैक कर दो। जय भोलेनाथ बाबा। ठीक तो? क्या हुआ शिव? शिव बेटा संभल के, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आराम से चलाओ बेटा। शिव थोड़ी देर साइड पर रुक जाओ। शिव शिव बेटा अगर गाड़ी चलाना नहीं हो रहा तो रोक दो गाड़ी। आंखें खोल के चलाओ, क्या हो गया तुम्हें? शिव 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 बेटा शेर शेर मुझे तो बहुत तेज बुखार है। यहाँ तो कोई मदद करने वाला भी नहीं है। अरे बाप रे, इसके हाथ में तो घाव है, घाव पक गया है, इसी घाव के कारण इसको बुखार है और कमजोरी भी आ गई है। अब क्या करें दादी जी? सबसे पहले इसके घाव का इलाज करना होगा, नहीं तो तबीयत और खराब हो जाएगी। चलो आराम से आज। शिव शिव संभाल के, शिव शिव ध्यान से। क्या करें दादी जी, कैसे होश आएगा इन्हें? पानी ले आओ। शिव क्या करें दादी जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसे तो होश ही नहीं आ रहा है। गंगा भू, इनके कपड़े उतारने पड़ेंगे, इनका बदन पूरे ठंडे पानी से कपड़ा भिगो के पोंछना पड़ेगा। निकाल लो। हम कैसे कर सकते हैं दादी जी, और कौन करेगा? निकालो बेटा। अरे कुर्ता भी निकालना पड़ेगा। निकालो बेटा। कपड़ा होगा ना तुम्हारे पास कोई, उसको भिगो के इनका पूरा बदन पोंछना होगा।
सुनो, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे मिल जाएंगे जिसको लगाने से घाव ठीक हो जाएगा। कौन से पेड़ पौधे आप बताइए हमें? वो ना इतना बड़ा पौधा होता है, उसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं, हरे कम पीला ज्यादा। ठीक है दादी जी, हम देख कर आते हैं। हरे और पीले रंग की पत्तियां ढूंढनी होंगी। शिव इतनी देर से बेहोश है, कहीं उन्हें कुछ हो गया तो? पीली पत्तियां तो यही है, शायद यही खा होगा दादी जी ने, इसी से शिव का घाव ठीक होगा। इतनी बहुत होंगी दादी जी। हाँ। ये देखिए ये पत्ते हैं क्या? हाँ हाँ, अब इन्हें पीसने की कोशिश करो। ठीक है। दादी जी, शिव का बुखार कुछ कम हुआ है क्या? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दादी जी क्या हो रहा है इन्हें? ताप क्यों रहे? इसको ठंड लग रही है, कस के पकड़ो इसको। देखो शरीर में ऐठन हो रही है, ऐसे नहीं पूरा पकड़ो ना बेटा। क्या करें दादी जी, तो अभी भी बहुत कांप रहे हैं। बेटा तुमको कस के पकड़ना पड़ेगा। अरे ये ऐठन शांत करने की कोशिश करो ना बेटा। अरे पूरा बदन को पकड़ो ना बेटा। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, पकड़ो। अरे तुम बीवी हो इसकी, शर्म काहे की? अरे इसको ठंड लग रही है बेटा, शरीर में ऐठन हो रही है। बेटा ऐसे नहीं, कस के पकड़। अरे बेटा कहाँ जा रही हो? तुम्हारे प्यार ने तो जादू कर दिया, बुखार भी उतर रहा। पानी, पानी मांग रहा है। आराम से। बुखार तो कम हो गया है, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में पूरा होश आ जाएगा इसे। अपने पति को बहुत चाहती है ना?
कितनी मेहनत की तुमने इसे होश में लाने के लिए। वाकई बहुत प्यार करती हो अपने पति से। दादी जी, हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे। मुझे मालूम है तुम यही कहोगी। शर्मा गई ना, इसे ठीक से बिठाओ। अब अच्छा लग रहा ना बेटा? ये तो होना ही था बेटा। गंगा को कितनी तकलीफ सहनी पड़ी तुम्हारा इलाज करने के लिए। जब पत्नी अपने पति के लिए कुछ करना चाहती है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज मैंने गंगा का सती सावित्री का अवतार देखा। बहुत किया उसने तुम्हारे लिए। घर में सब लोग चिंता कर रहे होंगे, हमको घर चलना चाहिए। हाँ, गाड़ी चला लोगे ना बेटा? पक्का? हाँ दादी। बेटा कितना रोगी, बस कितना रो। तो क्या और क्या करूं मैं माँ? आप देख लीजिएगा, इस बार भी मेरी शादी पक्का टूट जाएगी। ये तो किस्मत में ही नहीं लिखा शादी होना। जब देखो तब देखो यही सब हो रहा है मेरे साथ। इतनी मनहूस हूं ना मैं, मेरा तो जीने का कुछ मतलब ही नहीं है। मुझे तो मर ही जाना चाहिए। जी ऐसा नहीं बोलते, क्या कर रही है तू? छोड़िए भाभी मुझे। शांत हो जाओ, बैठो तुम यहां। तुझे नहीं चाहिए। आशी, छोटी सी बात के लिए तुम मरने जा रही थी? ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा जैसा तुम सोच रही। हाँ ले तो। लेकिन बा, आप सब नाराज हो रहे थे। शगुन ठीक से नहीं। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे भैया और भाभी ने सब कुछ संभाल लिया। हाँ ले तो। उनके होते हुए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और अब तो मैं भी आ गई हूँ ना, जब तक तेरी शादी और विदाई अच्छे से नहीं हो जाती मैं यही रहूंगी। अब देखती हूँ मेरे पोते की शादी में अब शगुन कैसे होता है। हाँ नहीं तो। जाओ तुम कपड़े बदल दो। दादी ये क्या कर रहे हैं आप? अरे देखिए ये सब करने का आपको कोई जरूरत नहीं है। आइए आप आराम से इधर आइए। चलिए बेटा, सुबह उठ के चाय बनाना मुझे अच्छा लगता है। अरे हमको भी बहुत अच्छा लगता है चाय बनाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाय बनाएंगे। हम आपके लिए चाय बनाते हैं। आइए आप। चलिए आप आराम से यहाँ पर बैठिए। ये अखबार पढ़िए आप, तब तक हम आपके लिए चाय बनाते हैं। आपके लिए भी थोड़ा चाय बना दें।
कहाँ चल दी? दिखाई नहीं देता? तुम्हारे पति की तबीयत इतनी खराब है, बेचारा सबके लिए चाय बना रहा है। ये अच्छी बहू के लक्षण नहीं है गंगा। दादी जी, इन्हें तो आदत कुछ नहीं सुनना। चलो जल्दी से चाय बनाओ।